Hello students, today we are going to discuss about the values of all the ratios. सबसे पहले हम try करते हैं 0 degree, फिर 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. साइन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 30 पे क्या होगी, 45 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी एंड 90 पे क्या होगी वो देखते हैं. साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होगी. साइन 30 पे 1/2 होगी. साइन 45 पे 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2. साइन 90 इज 1. तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाती है, 1 तक जाएगी. फिर कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, पूरा ये रिवर्स हो जाता है एंड कॉस 30 डिग्री इज √3/2 एंड cos 45 degree is same 1/√2 and 60 degree pe cos half ho jayega and 90 degree pe 0 ho jayega. Dekhi sin ki value 0 pe 0 hai aur cos ki value 90 pe 0 hai. Pura ekdam reverse process hai. tan थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो उसकी वैल्यू को अपॉन करके कर सकते हैं. देखिए 0/1 इसका मतलब टेन 0 पे 0 होगा एंड टेन 30 डिग्री पे क्या होगा 1/√2 एंड √3/2. तो 2 से 2 कटा एंड 1/√3 होगा. tan 45 degree 1/√2 is 1 and tan 60 degree pe √3 aayega and 1/0 is not defined. That means not defined likhna hai ya infinite likhna hai. Aur cot ki value puri reciprocal reverse ho jati hai. cot 0 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. यहाँ पे नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं. चलिए नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं. नॉट नॉट डिफाइंड एंड 0 पे cot नॉट डिफाइंड. cot 30 पे √3 हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा. ये 1 होगा. tan और cot 45 डिग्री पे 1 होते हैं एंड 60 डिग्री पे 1/√3 हो जाएगा एंड cot 90 इज 0. पूरा रिवर्स होगा. अब देखिए साइन 0 डिग्री 0 था, साइन 0 0 था एंड कॉसेक 0 रेसिप्रोकल होता है. 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड
एंड कॉस sec 30 होगा इसका रेसिप्रोकल 2, फिर कॉस cosec 45 डिग्री इज रूट 2 एंड cosec 60 डिग्री इज 2√3 एंड cosec 90 डिग्री इज 1. नाउ sec इज 0 अपॉन 1 इज 0, 0 अपॉन 1 इज 0 एंड sec 30 इज 2√3, sec 45 अगेन √2 एंड दिस इज 2. दिस इज नॉट डिफाइंड क्योंकि 1 अपॉन 0 cos हो जाएगा 1 अपॉन sec, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos और sin की वैल्यू 45 पे सेम होती है, tan की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है 1, एंड cosec एंड sec की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है. एंड वन मोर थिंग, साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू से सेम होगी एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू cos 45 डिग्री की वैल्यू से सेम होगी एंड साइन 0 डिग्री की वैल्यू cos 90 डिग्री से सेम होगी. और ये रिवर्स भी चलेगा, यानी कि cos 0 डिग्री sin 90 डिग्री का वैल्यू एक ही होगा. 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 बनाना चाहिए, तो वो सारे एंगल्स की वैल्यू एकदम सेम होगी. फुल कोर्स इज अवेलेबल फॉर CBSE, ICSE and other state boards. You also get complete course or chapter-wise course for all competitive examinations on www.preducate.com, and Preducate app can be downloaded from Play Store. Thank you.